नमस्कार, मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सीपी नेट का स्कोर कार्ड के साथ साथ रैंक कार्ड भी जारी कर दिया गया। आप सभी ने अपना रैंक कार्ड चेक कर लिया, किसकी कितनी रैंक बनी हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे पास भेजी भी है। अब यहाँ पर आपकी आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुका। कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, कितनी फीस आपसे ली जाएगी, कब तक होगा रजिस्ट्रेशन, साथ ही साथ रैंक के अनुसार मैं आपको कट ऑफ बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले लेके चलते हैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ से आपको काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कराना है और कौन से स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, गूगल पे जाना, बस सर्च करना है UPUMS। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट इसकी पहले ही नंबर पर मिल जाएगी और आगे का पेज खुलेगा। उसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको सीपी नेट 2024 पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सीपी नेट 2024 काउंसलिंग, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्लिक हेयर टू एडमिट कार्ड जहाँ लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दें। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना, वही अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड और लॉग कैप्चा भरना होगा। कैप्चा भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, कैप्चा आ चुका है। कैप्चा भरने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन कर देना है। तो चलिए हम आपको लॉगिन करके दिखा देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक नया ऑप्शन इन्होंने ऐड कर दिया जहाँ लिखा है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन भी आपको क्लिक करना है। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कौन करा सकता है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म डाला हुआ है, इसका एग्जाम दिया है, वो सभी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बट सभी को सीट तो नहीं मिलेगी। आपको पता है यहाँ पर टोटल सीट्स जो हैं वो केवल 170 है। 170 में आपको पता होना चाहिए GNM की यहाँ पर जो सीट्स हैं वो आपकी कितनी है, 60 सीटें हैं, जबकि ANM की यहाँ पर 50 सीटें और बी फार्मा की यहाँ पर 60 सीटें आपकी। इस प्रकार से टोटल आपकी 170 सीट्स आपकी है। रजिस्ट्रेशन तो सभी लोग करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो आपसे फीस यहाँ पर लगेगी वो ₹500 लगेगी। कब तक रजिस्ट्रेशन होगा, तो ये अभी इन्होंने डेट जारी नहीं की है। जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना है वो अपना करा लीजिएगा। यदि आपको ₹500 खर्च करने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना है तो करा सकते, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन रजिस्ट्रेशन सभी स्टूडेंट्स जिनकी रैंक बहुत ज़्यादा है वो रजिस्ट्रेशन न कराएं तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। कितनी रैंक वाले बच्चे करा लें मैं अभी आपको आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा जिसमें लिखा होगा योर क्लिक हेयर टू रजिस्टर, इसी पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा। अभी थोड़ा लोडिंग दे रहा है। यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आपका लिखा होगा, आपकी कैटेगरी यहाँ पर लिखी होगी और साथ ही साथ यहाँ पर नीचे लिखा होगा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस डिटेल। ₹500 आपको रजिस्ट्रेशन फीस जमा करना होगा। उसी के बाद आप यहाँ पर अपनी कोर्स की वरीयता दर्ज करा सकते हैं। आपको कौन सा कोर्स कितने नंबर पर रखना है वो आप तभी करा सकते हैं जब यहाँ पर आप ₹500 देंगे। तो आप क्या करना है, यहाँ पर डिक्लेयर कर देना। डिक्लेयर करने के बाद यहाँ सबमिट करना है, फिर आपको ₹500 की फीस कटा देनी है। फीस कटने में हो सकता है टाइम लगे, 10-12 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे। तो ऐसा नहीं करना आपको कि यदि आपका फीस नहीं कट रहा है तो आप दोबारा से फीस कटवा दें, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। अपनी फीस थोड़ा टाइम लगेगा कटने में, ₹500। और जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो उसके बाद आप अपनी वरीयता दर्ज करा सकते हैं। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन कोई भी करा सकता है, जितने स्टूडेंट्स हैं सभी करा सकते हैं, लेकिन आपकी रैंक भी मायने रखती है। बात करते हैं कितनी रैंक वाले बच्चे यहाँ पर फर्स्ट राउंड में उनको सीट मिलने के चांस है। तो देखो, अलग अलग बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यदि आप सोचो कि आप, मैं बता दें यहाँ पर GNM के लिए कितना रैंक होना चाहिए, ANM के लिए कितना रैंक होना चाहिए, ये बताना थोड़ा मुश्किल है। अभी अलग अलग तो नहीं बताया जा सकता, बट एक साथ मैं आपको बता सकते हैं जिन बच्चों की रैंक 1 से लेकर 500 के बीच में उन सभी को फर्स्ट राउंड में मिलने के चांस है। चाहे वो SC ST जनरल वालों का थोड़ा हो सकता है कम हो रहे, जनरल वालों का थोड़ा यहाँ पर 300 के करीबन रैंक, 300 जिनकी है करीबन रैंक, उनको मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। बाकी के SC ST और OBC वालों की यदि 500 तक की रैंक है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें और आपको फर्स्ट राउंड में मिलने के चांस है। बाकी की जो जितनी रैंक इनकी ज़्यादा है वो रजिस्ट्रेशन तो करा सकते हैं सभी स्टूडेंट्स, बट आपको फर्स्ट राउंड में न मिले, सेकेंड राउंड में आपको ये सीट बचती हैं तो आपका सेकेंड राउंड कराया जाएगा, उसमें आपको सीट मिलने के चांस होंगे, ठीक है। या सेकेंड राउंड में भी सीट बच जाती हैं तो आपका थर्ड राउंड यहाँ पर कराया जाएगा, ओके।
तो पहले पता यहाँ पर फर्स्ट राउंड में कितने बच्चों को सीट मिलती है, कितनी सीट यहाँ पर बचती है 170 में से, जिनकी रैंक 170 तक तो है, 170-200 तक रैंक है, उन्हें तो पूरे पूरे चांस है मिलने के, क्योंकि यहाँ टोटल सीट्स आपकी जो है वो 170 है और आप जो चाहेंगे वो सीट भी आपको मिल जाएगी। ये तो आपकी रैंक जो है वो 170 तक बन रही है, ठीक है, 170, 200, 250, 300 तक की रैंक है और मिलने के चांस तो यहाँ पर 500 तक है फर्स्ट राउंड में। तो आप सभी स्टूडेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिएगा, आपको मिलने के चांस है। यहाँ पर अलग अलग बताना थोड़ा मुश्किल है और बाकी की जानकारी हम आपको धीरे धीरे देते रहेंगे। आप चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिएगा। 2025 के लिए मैं तैयारी शुरू कर रही हूँ, बायोलॉजी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे, साथ ही साथ फिजिक्स भी पढ़ाने की कोशिश इस साल करूँगी, ठीक है। तो चलिए आज का इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।